अपहरण और हत्या मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया है। वहीं अभियोजन मामले में मुकदमा को साबित करने में असफल रहा। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला साल 2013 का है, जिसमें बेऊर थाना इलाके से अभय कुमार सिंह नाम के एक शख्स का अपहरण हुआ था। जमीन विवाद में सुलह को लेकर यह किडनैपिंग हुई, जिसमें पुलिस को अभय सिंह का पता नहीं चल सका। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में कोई ठोस सबूत पेश भी नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि अनंत सिंह के आवास से AK-47 राइफल बरामद होने के मामले में कार्रवाई भी तेज होती जा रही है। इस मामले में कोर्ट में गवाही हो रही है, जिसमें जांच करने वाली आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह का बयान को पटना की एक अदालत में दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर लिपि सिंह की कोर्ट में ये पहली गवाही है। वहीं अब 22 दिसंबर को मामले में अगली गवाही होगी। AK-47 बरामदगी मामले में अभियोजन के सभी गवाहों ने प्राथमिकी का पूरी तरह से समर्थन किया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने बाढ़ थाना इलाके के नदवा गांव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास से एक AK-47 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड और गोलियां बरामद की थी। उस वक्त लिपि सिंह बाढ़ की तत्कालीन ASP के पद पर तैनात थी। वहीं अब आपको बता दें कि हत्या और अपहरण मामले में विधायक अनंत सिंह को जमानत मिल गई है।